गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको साइंस का जो हमारा चैप्टर 3 है क्लास 6 में फाइबर टू फैब्रिक, इसको पढ़ के समझाया था। इसकी रीडिंग की थी हमने चैप्टर की, ठीक है। तो इसके बाद हम इस चैप्टर की जो है कीवर्ड्स और इसके एक्सरसाइज और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको देखेंगे इस वीडियो में। तो कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के, कॉटन वूल यानी कपास, ऊन, फैब्रिक यानी कपड़ा, फाइबर, रेसा, निटिंग मतलब बुनना, स्पिनिंग कातना या कताई कहते हैं इसको हम, वीविंग बुनाई बुनना, यार्न धागा, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के। और इसके बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं चैप्टर से रिलेटेड। फाइबर्स करके हेडिंग डालेंगे आप भी। टू टाइप्स के होते हैं फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? तो फाइबर्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वह ऐसे जो जंतुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। तो इसमें कॉटन, जूट प्लांट से प्राप्त होते हैं और सिल्क और वूल एनिमल से प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स विच आर नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, यानी कि मानव निर्मित वह ऐसे जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ठीक है। फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, दो प्लांट जो रेसे पौधों से प्राप्त होते हैं। पहला है कॉटन, तो कॉटन प्लांट इज ग्रोन इन ब्लैक सॉयल एंड वार क्लाइमेट। जो कपास का पौधा होता है वह काली मिट्टी और गर्म जलवायु में उगता है। कॉटन इज ऑप्शन फ्रॉम कॉटन प्लांट फ्रूट, तो कॉटन जो ऑप्टेन हमको प्राप्त होता है वह कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है। दूसरा है जूट, जूट इज ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, तो जूट जूट होता है जो वह जूट के प्लांट के तने से हमें प्राप्त होता है। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस से जो फाइबर मिलते हैं वूल और सिल्क, तो वूल वूल क्लोथिंग इज स्पून फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लीज ऑफ सीप। तो जो ऊनी जो कपड़ा होता है वह उसके जो रेसे यानी उसका जो धागा होता है वह जो रेसे रेसे होते हैं भेड़ की खाल के बाहर जो है उनसे प्राप्त किया जाता है। सिल्क, सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेंड फ्रॉम द स्लाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म, और जो सिल्क होता है रेशम होता है और रेशम के कीड़े के थूक होता है उसको वो इकट्ठा करता है, जिसे कोकून बोलते हैं, उसके द्वारा जो है उसके धागे प्राप्त किए जाते हैं, रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अगली है इसमें स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाई विच फाइबर्स आर गैदर टूगेदर एंड ड्रॉन इन टू ए लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न, यानी कि कातना किसे कहते हैं कराएं? तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो है रेशों को इकट्ठा करके घुमाया जाता है एक पतली रस्सी के रूप में और जो है धागा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो वह प्रक्रिया कराती है स्पिनिंग। अगला है वीविंग, द प्रोसेस बाय टू सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टूगेदर टू फॉर्म फैब्रिक, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें दो धागों को मिला करके कपड़ा तैयार किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। अगला है निटिंग। निटिंग क्या होगी? द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक फैब्रिक, इट इज़ डन बाय हैंड और मशीन्स। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक धागे से जो है बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है तो उसे निटिंग कहा जाता है, यानी कि इस प्रोसेस को। और ये जो निटिंग का कार्य होता है वह हाथों और मशीनों दोनों को द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी इसमें एक्सरसाइज आती है इस चैप्टर की, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज है, इसको मैंने कॉपी में भी किया है, यहाँ से आप लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो जो हमको दिए हैं नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर और जूट दिया है, इनको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में अलग अलग करके लिखना है। तो आंसर के लिए मैंने पहले नेचुरल फाइबर्स हेडिंग डाला है, आप भी इस तरह करेंगे। नेचुरल फाइबर वो हमारे क्या? वूल, कॉटन, जूट और सिल्क, ठीक है। फिर सिंथेटिक फाइबर्स हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या बचा हमारा? अब नायलॉन और पॉलिस्टर, तो वो इसमें लिख लेंगे आगे से, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको बताना है कि जो ये वाक्य दिए गए हैं सत्य हैं या असत्य हैं करके, ठीक है। तो पहला ए वाला है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, तो जो धागा होता है वह ऐसे से प्राप्त होता है, तो ये सत्य है यानी ट्रू है। स्पिनिंग जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, कातना वह प्रक्रिया है जिससे रेसे प्राप्त किए जाते हैं, जिससे क्या प्राप्त करते हैं? यार्न प्राप्त करते हैं, तो ये गलत हो गया, फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, जूट जो होता है वह
नारियल के बाहरी छाल होती है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि जूट का खुद का पौधा होता है। अगला है तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है जो कॉटन के सीड्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, उस प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। ग्रह तो ये ट्रू है। ई वाला है वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि धागे को जो है बुन करके जो है कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ये क्या है, ट्रू है। एफ है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो जो सिल्क का फाइबर वगैरह है वह सिल्क के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, वगैरह। तो ये गलत है, ये आपका सिल्क वॉर्म की स्लाइवा से प्राप्त किया जाता है। जी वाला है पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, तो पॉलिस्टर क्या नेचुरल फाइबर है, नहीं गलत है, क्योंकि ये क्या सिंथेटिक फाइबर है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ए वाला है प्लांट फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम, तो यहाँ पे स्पेस दिया फिर एंड के बाद फिर स्पेस है, तो प्लांट फाइबर ऑब्टेंड किससे होते हैं, जूट एंड कॉटन से। तो इसमें दोनों, एक जगह इसमें जूट फिल करेंगे, एक जगह कॉटन फिल करेंगे। फिर ये बी वाला है एनिमल्स फाइबर्स आर, जो एनिमल से प्राप्त होने रेसे हैं वो कौन से, यहाँ पे स्पेस दिया है फिर एंड करके फिर स्पेस है, तो क्या आएगा इन स्पेस में, सिल्क एंड वूल। तो एनिमल से प्राप्त रेसे किससे प्राप्त होते हैं, सिल्क और वूल से प्राप्त होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फॉर विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेंड, यानी कि पौधे के कौन से भाग से कॉटन और जूट प्राप्त किए जाते हैं। तो कॉटन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉट प्लांट, तो कॉटन जो होता है, कपास जो होता है वह कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, और जो जूट के रेशे होते हैं वह जूट के पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला फिफ्थ क्वेश्चन, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, दो ऐसे वस्तुओं के नाम बताओ जो नारियल के रेशे से के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आंसर है जूट बैग्स, रोप्स और फुट मैट्स, मैंने तीन लिखे हैं, आप दो लिख सकते हैं कोई भी, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि वह प्रक्रिया बताइए जिसके द्वारा धागे से कपड़ा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आंसर है इसका द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है उसे स्पिनिंग कहते हैं, यानी कि कातना कहते हैं, कताई। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, तो इस प्रक्रिया में जो रेसे होते हैं कॉटन के उनको जो है दबा करके घुमाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न, और इस प्रकार से ये जो रेसे होते हैं मिल करके जो है धागे का निर्माण करते हैं, या इनके द्वारा धागा बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इनको अपनी फेयर कॉपी में साइंस की नोट कर लीजिएगा, ऐसे फाइबर टू फैब्रिक हेडिंग डाल करके कीवर्ड्स करेंगे पहले, फिर उसके बाद जो इसमें ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लांट सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस ऑफ से फाइबर्स करके, फिर यहाँ पे स्पिनिंग, वीविंग और नेटिंग, ये हेडिंग डाल के ये इंपॉर्टेंट नोट्स उतारना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं इसमें, इनके क्वेश्चन सहित सारे आंसर टोटल आपने करने हैं, ठीक है।